हे हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में। जैसे कि गाइस, अपना दिवाली विश इवेंट यानी गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट कब आएगा, कौन सी डेट रहेगी, कौन कौन से बंडल रहेगी, कितने डायमंड लगेंगे। गिफ्ट ऑफ लाइट की मैं तुम्हें ए टू जेड बातें बताऊंगा। अपने गेम के अंदर आने वाला है स्पेशल गोल्ड रॉयल, जिसके अंदर आप लोग मस्त से इमोट को फ्री में क्लेम कर पाओगे। अपना ग्रीन एंजल का इवेंट आने वाला है, जिसके रिगार्डिंग मुझे अपडेट मिल चुकी है। यही नहीं गाइस, फाइनली आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आप सभी को मिलने वाली है अब हीरोइक की ग्लू वॉल की स्किन एकदम फ्री। अपना FF टोकन स्टोर अपडेट कब होगा वो मुझे पता चल चुका है, और कौन से बंडल एड हो गए वो भी मुझे पता चल चुका है। कुल मिला के गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बवाल मचाने वाले हैं, तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, वीडियो की शुभ शुरुआत करते हैं आज की मध्य रात्रि अपडेट से। तो कल अपने गेम के अंदर आने वाला है एक न्यू फेडल व्हील। कल हमारे गेम के अंदर मस्त सा न्यू फेडल व्हील ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर अपना इंजू के बंडल और साथ में इसका इमोट रहने वाला है। इंजू के बंडल का जो भाई हेड है ना, वो तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी जो बॉडी है ना, चेस्ट, वो कते खतरनाक है। कल ये अपने गेम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे दिल खोल के कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग इसे निकालने वाले हो या फिर नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो यहाँ पे अपडेट निकल के आता है VIP इवेंट से रिलेटेड। इस इवेंट का पूरा नाम है VIP मेंबरशिप। लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट में बताओ है ना कि भाई अपने इंडियन सर्वर के अंदर यार कितने सारे लोग टॉप अप करते हैं, लेकिन भाई उस टॉप अप करने का फायदा क्या होता है? भाई कुछ नहीं, क्योंकि भाई अपने को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते ही नहीं है। बैकग्राउंड में गाइस आप लोग देखो, ठीक है, अगर भाई आप लोग सुपर VIP, ठीक है, VIP मेंबरशिप वगैरह परचेस करते हो ना, तो भाई इससे आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग यहां से रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन भाई इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, मेंबरशिप वगैरह आप लोग परचेस करते हो ना, तो आपको टोकन मिलता है, और इस टोकन से आप लोग फ्री रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, मजाक है क्या? 500 टोकन का यूज करके तुम लोग डायमंड को क्लेम कर सकते हो, रूम कार्ड को क्लेम कर सकते हो, बंडल को क्लेम कर सकते हो, ग्लू वॉल की स्किन को क्लेम कर सकते हो। और यार ये बंडल, टी शर्ट, ग्लू वॉल की स्किन है भाई, इवोगन का क्रेट कोई नॉर्मल नहीं है। इन भाई सभी चीजों के अंदर भाई इंडियन सर्वर में घर ना हजारों डायमंड लेता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है। साइड में यहाँ पे डायमंड के भी रिवॉर्ड से, जहाँ पे गाइस आप लोग डायमंड को स्पेंड करके रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो। और यार भाई साहब, सब भी यहाँ पे लेजेंडरी आइटम है। प्रोफाइल, एनिमेशन, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, भाई सब भी लेजेंडरी रिवॉर्ड है। लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पे आप लोग डायमंड की प्राइस देखोगे ना, तो भाई बहुत ही हाई है। हाल फिलहाल गाइस, ये इवेंट सिर्फ एक ही सर्वर के अंदर आया हुआ है, आने वाले टाइम में सभी सर्वर के अंदर इसे रोल आउट किया जाएगा। वाह क्या सीन है। मिस्ट्री शॉप इवेंट, जो कि पर्सनली ये इवेंट मेरा फेवरेट है, और आई थिंक आप सबका फेवरेट है, क्योंकि तभी तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बार बार बोल रहे हो कि यार मिस्ट्री शॉप कब आएगा, कन्फर्म डेट बता दो। बैकग्राउंड में जो गाइस आप लोग मिस्ट्री शॉप इवेंट को देख रहे हो, ऐसा ही मिस्ट्री शॉप अपने इंडियन सर्वर के अंदर आने वाला है, जिसके अंदर गाइस ये फीमेल का बंडल और वो डिब्बे वाला बैकपैक, ठीक है भाई, वो परमानेंट रिवॉर्ड्स रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी आप लोग रिवॉर्ड को देख रहे हो ना, ये रिवॉर्ड चेंज वगैरह हो सकते है। अगर अपने इंडियन सर्वर के अंदर मिस्ट्री शॉप आने वाला होगा तो आने वाले 12 अक्टूबर को आएगा, नहीं तो भाई 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। आप मुझे बोलोगे कि भाई यार कन्फर्म अपडेट देना, यार कन्फर्म के भाई आ ही जाना चाहिए, तो देखो गाइस अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ना 100% कन्फर्म नहीं हुआ है कि मिस्ट्री शॉप आएगा ही। डाटा माइनर ने अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि डेमन स्लेयर कोलैबोरेशन का फीमेल बंडल अभी बाकी है, पेंडिंग में पड़ा है, और बैकपैक पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है, तो ये दोनों को रिवॉर्ड को घर ना अपने मिस्ट्री शॉप के अंदर दे सकता है। बाकी गाइस आप लोग 1100 से लेके 1500 डायमंड को सेव करके रख लेना, ताकि आप लोग इजीली मिस्ट्री शॉप इवेंट को कंप्लीट कर पाओ। यार आप लोग सिर्फ 2-3 दिन वेट कर लो, मैं तुम्हें इसका रिगार्डिंग कन्फर्म अपडेट दे दूंगा कि मिस्ट्री शॉप आएगा या फिर नहीं, अगर आने वाला है तो कब आएगा। तब तक के लिए भाई आप लोग चैनल पे बने रहना। मजा आया।
दिवाली जो कि यार पर्सनली मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट फेस्टिवल है, और ऊपर से दिवाली के टाइम अपने फ्री फायर में दिवाली इवेंट आता है, फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। चलो चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि आपको कौन सा बम फोड़ने में मजा आता है। देखो गाइस, मेरा पर्सनली फेवरेट यार सुतली बॉम है, ठीक है। कहते भाई आवाज बवाल, यार बवाल भाई। आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि आपको कौन सा बम फोड़ने में मजा आता है। हाँ, हम लोग इवेंट पे वापस आते हैं। तो गाइस, इस बार अपने दिवाली स्पेशल आपको देखने को मिलेगा एक स्पेशल लक रोयल। ये लक रोल गाइस स्पेशल गोल्ड रोल का ही होगा, लेकिन इसके अंदर बंडल भी आ सकते है, नहीं तो इमोट आ सकते है, लेकिन जो भी आए फायदा तो अपना ही रहने वाला है। आपको याद होगा, ठीक है, थोड़ी टाइम पहले मैंने कस आपको स्पेशल लक रोल का वाउचर दिखाया था। देखो यार, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड को सेव करना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं है तो मिशन को कंप्लीट करके गोल्ड को ले लो, क्योंकि OB42 अपडेट के बाद, ठीक है, और दिवाली OB42 अपडेट के बाद ही आने वाली है, और अपडेट के बाद यार गोल्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप लोग मेरी बात को मान लो तो भाई अच्छी बात है, मैंने तो भाई 2,00,000 गोल्ड को सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप मेरी बात को मानते हो तो भाई अच्छी बात है, वरना फिर आप बाद में पछताओगे यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अपना FF टोकन स्टोर अपडेट जो कि गरेना ने काफी ज्यादा टाइम से नहीं किया है, और यह सारी चीजें देख के मैं बस गरेना के मालिक को यही कहना चाहूंगा, तेरी मैया का सैया। बात तो सही है, लेकिन फ्रेंड्स टेंशन की कोई बात नहीं है। बैकग्राउंड में जो गाइस आप लोगों फीमेल का बंडल देख रहे हो ना, ये अपना नेक्स्ट FF टोकन रिवॉर्ड्स रहने वाला है, जो कि भाई आप लोग देख लो, ठीक है, ये भाई कब का आने वाला था, लेकिन गरेना ने अपने FF टोकन स्टोर को अपडेट किया ही नहीं। फीमेल बंडल के बाद गाइस एक और बंडल है जो कि अपना मेल का बंडल है, और मैं इस बंडल को भाई बुलाता हूँ चश्मे बद्दूर बंडल। मेल बंडल को आप लोग देख सकते हो, जो कि गाइस ये भी अपने FF टोकन स्टोर के अंदर ऐड होने वाला है। वैसे भाई बंडल को देख के तो यही लगता है कि ये भाई इसकी औकात FF टोकन की ही है। बाकी यहाँ पे भाई देखो तीसरा बंडल जो कि फीमेल का है, हाँ ये पर्सनली मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि इसके सर पे जो भाई सिंग है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। क्या मतलब कि भाई वो कान है, छोड़ो यार। रही बात कि अपना FF टोकन स्टोर अपडेट कब होगा, तो ये अपडेट होगा आने वाले 1 नवंबर को, क्योंकि भाई उस दिन अपना अपडेट रहेगा, ठीक है। तो अपडेट के बाद FF टोकन स्टोर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। वाह क्या सीन है। आगे और भी अपकमिंग इवेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है अपनी फ्री फायर की एक मस्त सी मीम देखने का। वाह वाह वाह, क्या कलाकारी है, जिसने भी भाई इसे एडिट किया है ना, उसे 0.00010 टोपो की सलामी। वैसे अपन लोग इसे मीम नहीं कहेंगे, फनी वीडियो था, जो कि आई थिंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बढ़ते है अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। दिवाली आने वाली है, रियल लाइफ में मेरे पास कोई भी अच्छा पैंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को परचेस करना है ग्रीन एंजल का पैंट, वो भी गेम के अंदर। बहुत ही सारे लोग अपने ग्रीन एंजल के रिवॉर्ड्स आने का वेट कर रहे, क्योंकि भाई बात तो यही है कि इसके जो रिवॉर्ड्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। ग्रीन एंजल का पैंट, टी शर्ट और अपना शूज, और यहाँ पे ठीक है गाइस फीमेल का ग्रीन एंजेलिक पैंट, ये भाई चारों ही रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बात कंफर्म है। लेकिन अभी आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, OB42 अपडेट आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और गाइस ये अपडेट से पहले आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स कंफर्म हो चुके हैं। ग्रीन एंजेलिक के सारे रिवॉर्ड आपको OB42 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी चलिए गाइस बात करते हैं अपने दिवाली विश यानी गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट के बारे में। सबसे पहले गाइस मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट के अंदर बंडल कौन कौन से रहेंगे। ज़ॉम्बी समुराई बंडल से लेके गाइस आर्टिक ब्लू बंडल, ठीक है भाई, इतने सारे OP बंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि गाइस आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर आप लोग जो भी बंडल को देख रहे हो ना, ये सारे बंडल रहेंगे, ठीक है।
लेकिन इसके अंदर अपना ब्रेक डांसर बंडल नहीं है, लेकिन टेंशन ना लो गाइस, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। बहुत ही सारे लोग पर्पल शेड बंडल का भी पूछ रहे, तो देखो गाइस आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो गरना इसे भी ऐड कर ही देगा। इसके अलावा आपको M1887 की लेजेंडरी गन स्किन से लेकर स्कार की गन स्किन भी देखने को मिल जाएगी। रही बात की इस इवेंट के अंदर कितने डायमंड लगेंगे, तो भाई डायमंड और गन स्किन इसके अंदर भरपूर है। अगर आप लोग 4000 डायमंड उड़ाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग यार 10000 डायमंड उड़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको गाइस खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने डायमंड को वेस्ट कर सकते हो। अगर भाई मेरी बात मानो तो भाई आप लोग 4000 या फिर 5000 डायमंड आसपास रख सकते हो, ठीक है। सबके पास तो डायमंड नहीं होते, लेकिन अगर आप लोग फ्री में डायमंड फ्री में पैसे लेना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर ऐप की लिंक आपको दे दूंगा, ट्राई करना, वहां से तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। रही बात गाइस गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट के डेट की, तो ये आपको देखने को मिलेगा 6 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में, तो भाई रेडी हो जाओ। हीरोइक वाली ग्लू वॉल की स्किन जो कि आपको पता होगा बहुत टाइम से अपने इंडियन सर्वर के अंदर पेंडिंग में है, लेकिन भाई अभी का अपडेट निकल के ये आ रहा है कि OB42 अपडेट के बाद इसका इवेंट अपने गेम के अंदर आ जाएगा। तो देखो यार मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिसके पास ग्रूल की स्किन नहीं होगी उन्हें थोड़ी बहुत अच्छी ग्रूल की स्किन मिल जाएगी। बाकी गाइस OB42 अपडेट के बाद रैग्नारोक 2.0 इवेंट आने वाला है, इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। OB42 अपडेट के बाद गेम के अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।